हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फोटो का बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड का कलर चेंजिंग ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ वो क्या है, यहाँ पे ब्लैक एक मॉडी ब्लैक टाइप का एक कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ जो बैकग्राउंड है उसको। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेना। तो फॉलो कर लेने के बाद मेरे जैसा कलर ग्रेडिंग आप आसानी से फोटोशॉप 7.0 के अंदर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा हूँ, वहाँ से जाके एक लाइट बोकेह का इफेक्ट आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कर लेने के बाद जो जो स्टेप्स मैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर दिखा रहा हूँ सारे को आप फॉलो करते रहना। तो चलिए, मैं मेरा फोटोशॉप 7.0 के अंदर ले चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, और ले चलने के बाद आपको वहाँ पे सारे कुछ क्लियरली बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देख सकते हो मैं फोटो कुछ इस तरह से पोज पे लिया हूँ जिसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मेरा ग्रीन टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ले लिया। आपको चीज़ें वगैरह क्लियरली डिस्कस करूंगा क्या क्या यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले ये जो फोटो है इसके ऊपर थोड़ी सी डस्टी टाइप का कलर है। तो इस कलर को रिमूव करने के लिए मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊंगा और यहाँ से सबसे पहले एक काम कर लूंगा, सिलेक्टिव कलर वाली लेयर ले लूंगा और यहाँ से रेड से सबसे पहले ब्लैक पैनल को चूज कर लूंगा। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले डस्टी टाइप का कलर जो रिमूव करने के लिए ब्लैक का ब्लैक एंड जो ये नेचुरल करके कलर मिलेगा इसका ब्लैक को इंक्रीज करना पड़ता है। तो आपको धीरे धीरे करके इंक्रीज करना पड़ता है। तो देख सकते हो मेरा +5 के आसपास मेरा परफेक्टली मैच कर रहा है। यहाँ से मेरे नेचुरल पे अगर जाता हूँ, नेचुरल पे भी +5 के आसपास मैंने डाल दिया और ओके कर दिया। अभी देखिए एक डस्टी टाइप का कलर यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है डस्टी टाइप कलर रिमूव करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा अभी अभी पूरा डस्टी टाइप का कलर तो रिमूव हो चुका है। अभी आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ से देख सकते हो ये जो फोटो है इस फोटो का बैकग्राउंड थोड़ी सी ग्रीन टाइप का है। तो इस वाला बैकग्राउंड का ग्रीन को थोड़ी सी और भी मैं ब्लर इफेक्ट डालने वाला हूँ। तो डालने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड का अगेन एक कॉपी बना लूंगा, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड का कॉपी बना लूंगा। तो कॉपी बना लेने के बाद ये जो सिलेक्टिव कलर है ना, ये बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए कंट्रोल ई दबाना है और सिलेक्टेड लेयर रहेगा जो सिलेक्टिव कलर वाला लेयर वो अप्लाई रहेगा, उसके बाद कंट्रोल ई दबाना, तभी आपका ये बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर अप्लाई हो पाएगा। अभी देखो यहाँ पे फोटो का चेंजेस कुछ थोड़ी सी हो ही चुकी है, जो डस्टी टाइप का कलर तो रिमूव हो चुकी है। अभी आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ से सबसे पहली जो चीज़ होगा वो आपको बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्लार करना पड़ेगा। तो ब्लार करने के लिए ये जो लेयर है इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल जे दबाते हुए कर सकते हो या चाहो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले सकते हो। अभी मैं जाऊँगा फिल्टर के ऊपर, ब्लार पे जाऊँगा, यहाँ से गॉसन डाल लूँगा सबसे ऊपर वाली लेयर पे। यहाँ पे मैं 20 के आसपास ब्लार डालूंगा और ओके कर दूंगा। अभी देखिए 20 के आसपास ब्लार डालने के बाद जब मैंने ओके कर दिया, अभी ये वाला ब्लार यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अभी ये वाला ब्लार ओनली मेरे को बैकग्राउंड ऊपर वाला हिस्सा जो बैकग्राउंड है वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसीलिए मैं इसके ए लेयर के ऊपर एक मास्क लूंगा। तो सिंपली मैंने मास्क भी ले लिया, लेकिन मेरा पूरा फोटो के ऊपर अभी भी ब्लार अप्लाई है। तो मैं कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट करूंगा लेयर को। इन्वर्ट करने के बाद पूरा ओवरऑल फोटो से ब्लार हट जाएगा। अभी आपको ब्रश करके करके जहां जहां पे ब्लार ऐड करना चाहते हो वहां से आप अप्लाई कर लेना। तो मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर रखूंगा व्हाइट, क्योंकि मेरे जो मास्क है इस मास्क का कलर मेरा यहाँ पे ब्लैक है। तो मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट तो कर लिया, अभी धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो से फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखते हुए बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश करना है। तो देख लीजिए अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ब्लार इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो रही है। तो मैं ज़्यादा जगह पे मैं ब्लार ऐड नहीं करूँगा, थोड़ी सी देख देख के मैं यहाँ पे ब्लार ऐड कर रहा हूँ, देख ही सकते हो आप। तो ब्लार मैं जहाँ जहाँ पे मेरा नीडेड है वहाँ वहाँ पे मैं यहाँ से ब्लार ऐड करूँगा, बाकी का पार्टों के ऊपर मैं ब्लार ऐड नहीं करूँगा। ब्रश का साइज थोड़ी छोटी करके मैं यहाँ इधर उधर जो पार्ट्स मैंने बाकी रह गया था तो ब्लार करना, वो मैं यहाँ से धीरे धीरे करके ब्लार यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हो अभी मैंने कुछ कुछ पार्ट्स पे तो ब्लार ऐड कर चुका हूँ। आप देख ही सकते हो किस तरह से ब्लार ऐड हो गया है। तो जब आपका इस तरह से ब्लार ऐड हो जाएगा, ध्यान रखे जो कलर बैकग्राउंड के ऊपर है उसी के ऊपर अभी काम है। वो क्या काम है, आप एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए, एक हुई सैचुरेशन वाला लेयर ले लीजिए। आप फोटोशॉप 7.0 यूज़ कर रहे हो या हायर वर्सन, जो जो स्टेप्स दिखा रहा हूँ आप फॉलो करते रहना।
तो देखिए अभी हुई सैचुरेशन तो मैंने ले लिया, अभी ये जो मास्टर कलर से आपको यहाँ पे कलर को सबसे पहले कर लेना है। देखिए ग्रीन बैकग्राउंड है तो इसलिए ग्रीन कर रहा ना, तो ग्रीन कर लेने के बाद इसका जो सैचुरेशन है फुल्ली -100 कर दीजिए। और सैचुरेशन -100 करने के बाद अभी देखिए अभी बाद में ये बाकी चीज़ें अगर चेंजेस करूंगा, अभी योलो को चूज कीजिए, योलो का जो सैचुरेशन होगा ये भी फुल्ली -100 कीजिए। अभी भी देखिए बैकग्राउंड के ऊपर भी कलर है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे कैन कलर के ऊपर, देखिए कैन कलर के ऊपर गया, इसका सैचुरेशन भी फुल्ली -100 कर दिया। अभी कर देने के बाद ओवरऑल फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट चुकी है, लेकिन आप अभी एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अभी ओके कर देने के बाद देख सकते हो फोटो इस तरह का लगेगा, लेकिन आपका स्किन वगैरह के ऊपर अगर ये जो ब्लैक टाइप का जो मतलब हुई सैचुरेशन जो अगर हट जाती है तो आपको ये मास्क के ऊपर क्लिक करना है, और अभी लेना है आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक, क्योंकि मेरे मास्क व्हाइट है तो मेरे को रिटर्न लाना होगा स्किन, तो इसीलिए मैं फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो धीरे धीरे करके जो 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 चीज़ें वगैरह यहाँ से हट गया था वो सारे कुछ यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। आपका अगर बाहर वाला हिस्से के ऊपर अगर ब्रश हो गया है तो वो भी आप धीरे धीरे करके इस तरह से रिमूव कर लेना। अभी देख सकते हो किस तरह से मैंने ओवरऑल फोटो से जितना सारा स्किन के ऊपर जो टोन्स वगैरह हट गया था, थोड़ी सी ब्लैकी टाइप का आ गया था, वो सारे कुछ इस तरह से रिटर्न लेके आ जाऊंगा। अभी तो मेरा इतना तक तो कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखो अभी करना क्या होगा, अभी इस जगह पे भी ब्रश कर लिया मैंने, अभी जो करना होगा वो क्या है देख लीजिए, ये जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड के ऊपर सबसे पहले काम है, तो आप एडजस्टमेंट आइकन पे जाके अभी एक सिलेक्टिव कलर ले लीजिए। अभी ये जो सिलेक्टिव कलर का ब्लैक को पैनल को चूज कीजिए, ब्लैक का जो ब्लैक होगा लिटिल बिट 20 के आसपास आप इंक्रीज कर लीजिएगा, और यहाँ से जो योलो होगा योलो को नियर अबाउट देखिए योलो को थोड़ी सी चेंजेस करके देख लेना। आपको फोटो को इधर उधर करके आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैन वगैरह सारे कुछ इधर उधर करके आप देखना पड़ेगा थोड़ी सी। यहाँ से नेचुरल पे जाऊंगा, नेचुरल का ब्लैक को लिटिल बिट इस तरह से इंक्रीज करूंगा नियर अबाउट 2 के आसपास। अभी इसका जो योलो है -10 के आसपास का किया, अभी इसका जो मैजेंटा +3 के आसपास किया, और यहाँ से नियर अबाउट कैन को +10 के आसपास इंक्रीज कर लिया। अभी यहाँ पे ओके किया, अभी देखिए थोड़ी सी तो मॉडी टाइप का लग रही है लेकिन स्किन के ऊपर से लाइटनेस वगैरह हट चुकी है, तो अगेन ही मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए और फोरग्राउंड कलर आप ब्लैक रखिए। अभी धीरे धीरे करके इस तरह से आप ब्रश करना कहाँ पे ओनली स्किन के ऊपर अगर चाहते हो। अभी इतना होने के बाद अभी और भी कुछ काम है, सिलेक्टिव कलर का जो मैंने छोड़ दिया था अभी आपको ब्लू पैनल को भी चूज करना है। अभी ब्लू पैनल को चूज करने के बाद थोड़ी सी ब्लू का जो डिटेल्स वगैरह आपको इसको भी इंक्रीज कर लेना है, और कैन का भी कैन को फुल्ली 100, ब्लैक को लिटिल बिट इंक्रीज, सारे कुछ इस तरह से कर लेना है। और करने के बाद आप ओके कीजिएगा, देख सकते हो थोड़ी सी मॉडी टाइप का यहाँ पे जो ब्लैक है वो लग रही है, लेकिन और भी कुछ काम है। वो क्या है, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कलर बैलेंस, कलर बैलेंस पे आपको जाना पड़ेगा हाइलाइट्स के ऊपर, हाइलाइट्स का जो ब्लू होगा वो नियर अबाउट 15 के आसपास इंक्रीज कीजिए। इसका जो मैजेंटा एंड ग्रीन मिलेगा इस ग्रीन के साइड पे +5 के आसपास इंक्रीज कीजिए, और यहाँ पे आपको -10 के आसपास आपको कैन को डिक्रीज करना है। और अभी जाना है मिड टोन्स के ऊपर, मिड टोन्स का ये जो मैजेंटा है मैजेंटा के साइड पे -10 कीजिए, और यहाँ पे कैन के साइड पे -5, एंड ब्लू के साइड पे इसको आपको +5 के आसपास कर लेना है। अभी जाइए शैडोज के ऊपर, शैडोज का ब्लू को भी लिटिल बिट इंक्रीज कीजिए +5 के आसपास, यहाँ पे आपको मैजेंटास के आसपास -2 कर लीजिएगा, और यहाँ पे कैन के साइड पे मैंने -3 किया। अभी ओके किया, अभी फोटो देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग रही है, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है ये बैकग्राउंड के ऊपर ही अप्लाई करना है, देख लीजिएगा। अभी एक चीज और क्या करना होगा, यहाँ से अगेन ले लीजिएगा हुई सैचुरेशन, अभी आपको यहाँ से कैन कलर चूज करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह कैन आ चुकी है, और कैन कलर चूज करने के बाद एक बार कैन का जो सैचुरेशन है वो फुल्ली -100 कीजिए। अगर परफेक्टली हो पाती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ पे सैचुरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा ब्लू का। देखिए ब्लू का सैचुरेशन लिटिल बिट डिक्रीज करके मैंने ओके कर दिया, अभी फोटो कुछ इस तरह से लग रही है। अभी जब इस तरह से लगेगा, अभी ये देखिए कलर बैलेंस से मेरा जो कलर्स वगैरह हट गया था वो सारे कुछ इस तरह से आ गया है। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर आप एक काम कर सकते हो, कर्व्स वाली लेयर ले सकते हो, इस कर्व से थोड़ी सी लाइटनेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो और ओके कर सकते हो, तो लाइटनेस वगैरह लिटिल बिट इंक्रीज हो गई है, देख ही सकते हो। तो ये ऊपर में थोड़ी सी ले आता हूँ मैं, इस तरह से आया है मेरा फोटो। अभी जब इस तरह से आपका हो जाएगा, अभी क्या करना होगा, अभी अगेन आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड कलर एक लेके ब्लैक कलर देख सकते हो, बहुत सारे भाइयों का इस ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कलर का जो उभर ले कर सकते हो, एक बार देख ले सकते हो यहाँ पे जो कलर्स वगैरह परफेक्टली अगर हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कलर करके अगर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे ब्लैक टाइप का यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये बहुत सारे भाइयों का जो फोटोज़ है वहाँ पे परफेक्टली ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना तक ही रखता हूँ।
अभी इतना हो जाने के बाद स्किन के ऊपर थोड़ी सी गोरापन मैं ले आना चाहता हूँ, तो एक सॉलिड कलर मैं यहाँ से लूंगा ब्लैक टाइप का और यहाँ पे ओके करूंगा। उसका जो ब्लेंडिंग मोड होगा वो कर लूंगा यहाँ पे, जो सॉफ्ट लाइट यहाँ पे ब्लैक नहीं मेरा यहाँ पे करना होगा यहाँ पे व्हाइट कलर। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से फोटो आ रही है। तो ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूंगा क्योंकि मैं ये ओनली फेस के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी आपको फोरग्राउंड कलर रखना होगा आपको व्हाइट, और आपको धीरे धीरे करके स्किन के ऊपर जिस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ आप भी धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से ब्रश कर लेना जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देख ही सकते हो किस तरह से ग्लोइंग टाइप का यहाँ पे स्किन हो रही है। जब इस तरह से हो जाएगा आप स्किन का रिटचिंग वगैरह भी कर सकते हो थोड़ी सी ब्लर ऐड करके, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा एक अमाउंट आएगा। देख ही सकते हो किस तरह से मेरे यहाँ पे स्किन के ऊपर ग्लोज वगैरह सारे कुछ आ रही है आपका, देख सकते हो इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा एक ग्लो आ जाएगा स्किन के ऊपर। तो इतना ग्लो आ जाने के बाद आपको करना क्या होगा, अब ओवरऑल फोटो के ऊपर एक काम कर सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से आपको अगेन सिलेक्टिव कलर लेना है और यहाँ से आपको ब्लू पैनल को चूज करना है। यहाँ पे तो मैं वही वाला चैनल यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, सिलेक्टिव कलर मैंने लिया, यहाँ से ब्लैक को चूज किया और ब्लैक का जो ब्लैक मिलेगा इसको 10 to 15 के आसपास इंक्रीज कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कीजिएगा। तो बढ़िया सा एक बैकग्राउंड लगेगा। तो देख सकते हो किस तरह का मेरा फोटो लग रही है, आपको भी इस तरह से प्रीसेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी एक मैं जो कलर फ्लेक वाला जो इफेक्ट है वो भी यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे इसको मैं फोटो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस साइड पे थोड़ी सी रख के मैं इसको स्क्रीन करना होगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक था, और शिफ्ट दबाते हुए देख सकते हो मैंने इंक्रीज किया, तो ये साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ शिफ्ट दबाते हुए। अभी देखो अप्लाई हो चुकी है। अभी अगर सारे को ग्रुप बना लेता हूँ, अगर ग्रुप बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि फोटोज का एडिटिंग किस तरह के हो गया है मेरा, तो सारे कुछ आप लोगों को आंखों के सामने दिख जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इधर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और ये वाला को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अभी देखिए फोटो था, पहली जो फोटो था वो था कुछ इस तरह का और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह का, तो आप लोगों को आंखों के सामने दिख रहा होगा किस तरह का एडिटिंग यहाँ पे हो पाया है। और आज का टॉपिक इसी के ऊपर था अगर ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आती है, ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल होती है, तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नए कोई एडिटिंग के साथ, नए कोई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।